बिग बॉस OTT3 का फिनाले आज यानी 2 अगस्त को होने वाला है। सोशल मीडिया पर शो के विनर के नाम को लेकर चर्चा तेज है। वही शो का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में घर से बेघर हुए सदस्य अनिल कपूर के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं। वहीं बिग बॉस OTT3 के टॉप 5 कंटेस्टेंट घर में नजर आ रहे हैं। हर किसी को विनर का नाम जानने को लेकर बेसब्री है। इसी बीच घर से बेघर हो चुके सदस्यों ने अपनी अपनी राय बताई है कि टॉप 5 में कौन नहीं होना चाहिए। बिग बॉस OTT3 के प्रोमो वीडियो में कृतिका मलिक, रणवीर शौरी, सना मकबूल, नेजी और साई केतन घर के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं घर के बाहर स्टेज पर अरमान मलिक, पायल मलिक, शिवानी कुमारी, दीपक चौरसिया, विशाल समेत अन्य सदस्य नजर आ रहे हैं। वीडियो में अनिल कपूर घर से बेघर हो चुके सदस्यों से एक सवाल पूछते हैं। अनिल कपूर कहते हैं कि इस वक्त उन्हें घर में किसे देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस सवाल के जवाब में ज्यादातर घर वालों ने कृतिका मलिक का नाम लिया था। सबसे पहले शिवानी कुमारी कहती नजर आ रही हैं कि कृतिका भाभी को इस घर में नहीं होना चाहिए था। इसके बाद दीपक चौरसिया भी कृतिका का नाम लेते हैं। विशाल और सना सुल्तान भी कृतिका मलिक का नाम लेते हैं। जिसके बाद अनिल कपूर ने कृतिका से पूछा कि उन्हें क्यों लगता है कि वो टॉप 5 में होनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में कृतिका कहती नजर आ रही हैं कि वो फेक पर्सनालिटी नहीं है। जैसी वो बाहर है वैसी ही वो घर के अंदर है। बाकी लोगों की जो सोच है उसका वो कुछ नहीं कर सकती। क्या आपको भी लगता है कि टॉप 5 में कृतिका भाभी को नहीं होना चाहिए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।